आपकी YouTube न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन पर, कच्ची बस्ती में रह रहे वासियों ने वासुदेव नानी का पुतला जलाया। राजस्थान के पूर्व शिक्षा राज्य एवं उत्तर विधायक के वासुदेव रानी द्वारा गत गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में अजमेर के शहर के क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में अवैध बस्तियां बसा कर किए जा रहे अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने एवं वैशाली नगर में वासुदेव रानी जो देवनानी जी ने विधानसभा के अंदर हम गरीब कच्ची बस्तियों के आशियाने उजाड़ने के लिए जो बात कही है उसकी आज आक्रोश रैली के अंदर आज उनका पुतला जलाया गया है। और हम कच्ची बस्ती के, उन्होंने कहा ना 250 कच्ची बस्तियां अवैध है। अरे साहब, आपके द्वारा ही वहाँ शिलान्यास किया, जब वोट होते हैं तब आप ही पहाड़ी पे चढ़ के वहाँ वोट मांगने आते हो, हमारे घर पे चाय पीते हो, हमारे लोगों के खाना खाते हो और हम लोगों को अवैध बताते हो। ऐसी मनमानी, मुझे लगता है कि उनका उदयपुर जाने का समय आ गया है और उदयपुर वो अब रवाना होने वाले हैं, उनका टिकट कन्फर्म हो गया है। अब की बार देवनानी जी कच्ची बस्तियों में वोट मांगने आएंगे तो उनको वोटों की जब के चप्पलों की मालों से उनका स्वागत किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। मैं अपील करूंगा, अगर हम देवनानी जी का समर्थन करते, जब वो हमारी बात को विधानसभा में रखते कि आप वन क्षेत्र की जमीन जितनी जहां तक है उसकी एक बाउंड्री खिंचा दी जाए, उसका सीमांकन कर दिया जाए, उसके बाद में अगर कोई बसता है तो उसको अवैध माना जाए। अभी जो बस गया, एक आदमी को मौत की सजा दे दो या उसका घर बर्बाद कर दो, ये दोनों बराबर होते हैं। और उन्होंने हमारे घर तोड़ने की बात कही है तो ये बहुत निंदनीय है। आप, हम सरकार से ऐसी आस रखते हैं कि सरकार हमारी बात को केंद्र तक पहुँचाए। केंद्र में जो हमारे भूपेंद्र जी हैं वन मंत्री, वो ऐसा करें कि वन क्षेत्र के एक सीमांकन कर दें और वन क्षेत्र का जितना भूमि कच्ची बस्ती में है उसको छोड़ के उतना जमीन वन क्षेत्र को कहीं और दे दें और हम लोगों को पट्टे दे दें, यही उनसे हमें आस है। और अशोक गहलोत जी से निवेदन है, जो आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रखा है कि प्रशासन गाँवों के संग, उसमें कई ऐसी कच्ची बस्तियाँ हैं जिनके पट्टे हो चुके हैं, हम लोगों को भी आश्वासन दिया गया है। हमारी जो 48 कच्ची बस्तियाँ वो ADA में है और उम्मीद करते हैं कि उनको भी पट्टे दे देंगे। वन क्षेत्र जो आता है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। आज तो मान लीजिए कि इनके भाषण पे कोई इतना गौर नहीं हुआ क्योंकि सरकार कांग्रेस सरकार है, लेकिन जैसे ही BJP सरकार आएगी, ये अपने कारनामे जो इनके अंदर है, इनकी दिल की बात जो इन्होंने कही है वो बाहर लाएंगे। और हम कच्ची बस्ती एकता है, और अभी तो क्या है, सिर्फ एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, पूरी फिल्म, हम 2.5 लाख लोग हैं कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले पूरे अजमेर शहर में। मैं दीनदयाल पवार, कच्ची बस्ती महासभा अध्यक्ष, अजमेर से। निजीकरण के खिलाफ नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का आरोप किया। बड़ी संख्या में लामबंद एश्योरेंस के कर्मचारियों को यह जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार, दो हजार 22 को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन NFIR में भगत सिंह का शहीद दिवस पर अमृतसर से एक आह्वान किया, NPS भारत छोड़ो। इस महाअभियान के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने पूरा जोनल रेलवे पे, जो 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक विरोध सप्ताह का आह्वान किया है, जिसके तहत सबसे प्रमुख मांग, सबसे
प्रमुख मुद्दा है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस वापस ले और ओल्ड पेंशन स्कीम पुराना पेंशन स्कीम पुनः लागू किया जाए। इसके साथ उन तमाम इश्यूज आम रेल कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं जो तनाव मुक्त वातावरण की विशेष तौर पर सुरक्षा कर्मचारियों को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की मुद्दे हो, क्या अतिरिक्त कार्य के लिए समयोपरि भत्ते के भुगतान की बात हो, टीए कंटेजेंसी के भुगतान की बात हो, नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात हो, या उन तमाम इश्यूज जो क्वार्टर रेल आवासों के जर्जर स्थिति में सुधार की बात हो, लेकर उन तमाम इश्यूज जो रेल कर्मचारी परेशान है उन तमाम इश्यूज को लेकर एनबीएस को अहम मुद्दा रखकर जो 27 मार्च से जो 3 अप्रैल तक का यूपीआरएमएस का जो विरोध सप्ताह के तहत आज भोजनावकाश के टाइम में कैरियर कारखाने में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, या आज कैरियर कारखाने में तो कल लोको कारखाने में, परसों मंडल कार्यालय में, उसके बाद 1 तारीख को शाम को 4 बजे GCA से विशाल रैली निकालेंगे। लगातार इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को चेताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सही जैकब, महामंत्री UPRMS। उत्सव के अवसर पर वासुदेव देवनानी ने झूलेलाल मंदिर का किया दौरा प्रशासन के साथ। 2 अप्रैल को झूलेलाल जयंती महोत्सव के अवसर पर अजमेर से विशाल शोभा यात्रा व जुलूस निकाला जाएगा। इसी की तैयारियों को लेकर उत्तर विधायक वासुदेव नानी ने मंगलवार सुबह सिंधी समाज के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। 2 अप्रैल को झूलेलाल धाम से जो हमारे महापुरुष इष्ट देव झूलेलाल जी की जयंती पर एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट में हमारी बैठक भी हुई। उस बैठक के अनुसरण में आज इस पूरे रूट का निरीक्षण करने के लिए निकले अधिकारियों के साथ, कहां कहां क्या कमी है, कहीं सड़क पे सड़क बननी है, कहां पेचवर्क बनना है, कहीं पे फेवो कवर डलने हैं, कहाँ पे पेड़ों की छटाई होनी है, कहीं पे बिजली के तार नीचे हैं उसे ऊंचा करना है, इस प्रकार हमने भी ग्राउंड किया है और लगभग ऐसे 38 बिंदु हमने निकाले हैं जो इन अधिकारियों को दिखाएंगे, ताकि अगले 2 दिन के अंदर इन सब को ठीक करा सकें। और अजमेर की जो शोभा है, अजमेर का विशाल शोभा यात्रा है जो ऐतिहासिक निकलती है, उसकी पूरी तैयारियाँ हो सकें और किसी को कोई कष्ट ना हो। सब महावीर जी, उसके तत्काल कुछ दिनों के बाद महावीर जयंती भी निकलने वाली है, तो उसको भी अलग, उनका कुछ रूट अलग है लेकिन कुछ रूट कॉमन है, उस रूट के भी इस प्रकार से निरीक्षण करेंगे उनके नज़दीक आते ही, ताकि ये शहर जो ऐतिहासिक जुलूसों के लिए जाना जाता है वह लोगों के लिए हम अच्छी तरह से उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकें, ताकि सारे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में अजमेर का नाम रोशन हो। लायंस क्लब ने रंगोली बनाकर राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। अजमेर पृथ्वीराज द्वारा अजमेर के 1910वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को सुंदर विलास स्थित राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के प्रांगण में छात्राओं द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई। सुंदर विलास स्थित राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं द्वारा रंगोली बनाई गई। ये आज राजस्थान का 910वां अजमेर, और साथ ही कल 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी है, तो इस अवसर पर रंगोली बनाई गई और साथ ही लोगों को समझाया गया राष्ट्रीय विरासत के बारे में, अजमेर की जो हमारी धरोहर है उसके बारे में समझाया गया। पुष्कर सरोवर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। सोमवार को पुष्कर सरोवर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव तैरते दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वह शव मिलने की सूचना पर पुलिस रामघाट पहुंची। पुलिस ने तीर्थ पुरोहित राहुल पाराशर एवं गोताखोरों के सहयोग से अधेड़ के शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए पुष्कर अस्पताल की मोर्चरी के लिए रवाना कर दिया। सूचना जो हमारे भाई नाथू जो घाट में पानी पैसे ढूंढने आता है हमारे घाट में, और कोई भी घाट में ढूंढता है इसको सूचना ये दिखा, दिखने बाद में इसने मेरे को आवाज़ लगाई कि राहुल भाई कोई आदमी डेड बॉडी है, और डेड बॉडी को काटा, और काटने बाद में सीआई साहब को थाने में सूचना दे दी, और सूचना देने के बाद में उसको जाँच हो रही है और उसको
ले गए हॉस्पिटल। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राहुल पारासर, तीर्थ पुरोहित, गोतापुर। किशनगढ़ पुलिस धन्नी देवी के हत्या के मामले में किशोर जागीर को न्यायालय में पेश किया। बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी को मदनगंज थाना पुलिस ने अजमेर अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया पेश, सौंपा दो दिन के पुलिस रिमांड पर। मदनगंज थाना पुलिस की गिरफ्त में आए बुजुर्ग की हत्या के आरोपी नवीन कुमार उर्फ किशोर जांगिड़ को आज दिनांक 27 मार्च रविवार को पुलिस ने अजमेर अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। आरोपी ने लूट के इरादे से बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी। आरोपी बुजुर्ग महिला को प्याऊ से मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे चैनपुरिया स्थित अंबेडकर भवन ले गया, जहां उसने बुजुर्ग महिला का गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी महिला के जेवरात खोलकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए कल देर रात को आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आज आरोपी को अजमेर अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहाँ उसे बुजुर्ग महिला के मर्डर के मामले में नवीन उर्फ किशोर को गिरफ्तार किया गया था। दौरान इंट्रोगेशन उसने लूट के इरादे से उसके गला घोट के हत्या करना बताया है और उससे मर्तका के जो पहने हुए टॉप पीस मात लिया और जो जिस मोटरसाइकिल पे वो बैठा के ले गया था उसको बरामद कर लिए और आगे अनुसंधान जारी है। सर, ये काम भागने के प्रयास में था घोट के बाद की पूछताछ में सामने आया। हाँ, ये दूसरे दिन सुबह ही ये लूट इसने पूरी योजना के साथ में ये बाईपास पे चला गया था और वहाँ से किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था, तब दिन में इसको पुलिस ने दबोचा। सर, यहाँ कितने टाइम से रह रहा था, क्या काम? ये 1.5 साल से इनमें ये रेन बसेरा है, यहीं रह रहा था। इसने 2019 में मोटरसाइकिल चोरी की थी, घर में नकबजनी भी की थी, इसके लिए उन्होंने घर वालों ने इसको बाहर निकाल दिया था। अब किस तरह से इसे पूछताछ की गई है और आगे किस तरह से अनुसंधान किया जा रहा है? अभी तो इस एंगल से किया है कि भाई और भी कोई वारदातें खुल रही है या नहीं है, क्यों 1.5 साल से यहाँ रह रहा है तो कोई वारदात की है तो उसके संदर्भ में भी इससे पूछताछ कर रहे हैं। सर, आज इसको पेश करेंगे? हाँ, आज कोर्ट में पेश करेंगे। अलवरगेट थाना क्षेत्र में महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, ऑनलाइन निकले पैसे, पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। क्षेत्र धोलाभाटा की रहने वाली महिला ने ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराने के लिए बताए गए ऐप का डाउनलोड करने पर महिला के खाते से निकाले गए पैसे, अलवरगेट थाना में मुकदमा दर्ज कराया। 28 मार्च 2022 की घटना है, कल की, और कल दोपहर 12:30 बजे करीब ये सब हुआ है सर। तो फिर उसके बाद मेरे पेटीएम का भी उसने पैसा निकाल लिया। पेटीएम में भी मेरे 2400 रुपए थे, वो भी दो बार में ट्रांजेक्शन कर लिया अपने अकाउंट में और दो बार में मेरे अकाउंट का पैसा भी उसने निकाल लिया NEFT डेस्क के थ्रू, कैसे किया पता नहीं। और फिर जैसे ही पैसा मेरा जैसे ही कटा, मैंने फ़ोन कट किया और वो जो ऐप था उसको अनइंस्टॉल किया और तुरंत मैं यूको बैंक गई, मेरा बैंक में जिस बैंक में मेरा खाता था उसमें गई और मैंने उसको फ्रीज करा, अपना बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर सब फ्रीज करवाया। उसके बाद मैं वहाँ गई, मतलब पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR दर्ज करवाया और फिर क्राइम। कुल कितना पैसा निकल गया ऐप द्वारा आपके? 43,000 के करीब निकल गया भैया। क्या क्या बोला आपको फोन पे, क्या फोन आया? फ़ोन आया तो उसने बोला कि मैं आपका पैसा रिफंड हो जाएगा मेरा, क्योंकि रेलवे के थ्रू पैसा कट गया था और आया नहीं था। तो बोला कि एक हफ्ते पहले कराया था, रेलवे टिकट बुक करवाया था। कहाँ के लिए? अपने जहाँ रहते हैं अपने घर जाने के लिए, बनारस के लिए। फिर बस क्या था, फिर वो अपना करता गया वैसा जैसा उसने फ़ोन किया और मैं तो सोच रही हूँ मैं कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ तो वो सही बोल रहा है और उसने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी और इस तरीके से पैसा काट लिया। सर, क्या आप और को किसी को नवर में झंडारोहण के साथ चेटीचंद महोत्सव का आगमन के साथ चेटीचंद महोत्सव का आगाज, सिंधी भजनों पर छेड़ लगाकर झूलेलाल की वंदना। ब्यावर सिंधी समाज की ओर से बनाए जाने वाले चेटीचंद महोत्सव का आगाज किया गया। महोत्सव आगाज के तहत सोमवार को नंद निगर स्थित झूलेलाल मंदिर में झंडारोहण किया गया। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी। YouTube न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें।